हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की समरी जैसे कि मैं आप लोगों को करा रही हूँ, उसके पार्ट थ्री में पहले ही करा चुकी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट फोर के लिए। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी की समरी से। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उस पर ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे शिकारी पौधों के बारे में। शिकारी पौधे कौन से होते हैं? कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। कुछ पौधे कैसे होते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं और क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। उनमें से ऐसा कौन सा पौधा है? निपेंथीस। कौन सा पौधा है? निपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और जिससे क्या होता है कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो शिकारी पौधे हैं उनमें से कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा मशहूर है? निपेंथीस। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कौन से राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। क्या लगा होता है? जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। क्या होता है? घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उसमें खिंचे चले जाते हैं। हमें ही कहीं पर खुशबू अगर लगेगी तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी तरह से शिकारी जो पौधे होते हैं उनके अंदर से एक स्मेल आती है, अच्छी सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उस स्मेल को फील करके उसके पास चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। क्या होता है? जैसे ही पौधे के ऊपर कीड़े पहुंचते हैं तो अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। क्या नहीं कर पाते? बाहर नहीं निकल पाते। अब हम बात करेंगे बेल क्रो के बारे में। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ये जो बैग्स वगैरह आते हैं, शूज़ होते हैं, उनमें एक बेल क्रो लगी होती है। जो किस तरह की होती है? इसमें दोनों सतह चिपके होते हैं। क्या होता है? दोनों सतह चिपके होते हैं और जब भी हम इसे ओपन करते हैं चर चर की आवाज़ आती है। क्या होता है? चर चर की आवाज़ आती है। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने। किसने किया था? जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने इसका आविष्कार किया था। इसका इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते आदि में किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? कपड़े वगैरह में किया जाता है। जूते होते हैं हमारे और बस्ते होते हैं, उसमें कुछ अलग टाइप की वो लगी होती है बेलक्रो, उसे जब ओपन करते हैं तो ओपन हो जाती है और चर चर की आवाज़ आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से आई उसके बारे में बात करेंगे। मिर्ची कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें। मिर्ची जो है वो कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। लेकिन लाया कौन था? पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। लाया कौन था? पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मिर्च आई कहाँ से थी? दक्षिण अमेरिका से। और लाया कौन था? पुर्तगाल के व्यापारी। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई? अफ्रीका से। गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। चाय कहाँ से? असम से। और सोयाबीन जो है वो कहाँ से आई है? चीन से आई है। ऐसी कुछ सब्जियाँ भी हैं जो हमारे कहाँ पर बनी हुई हैं, हमारे खुद के देश की हैं, जैसे बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, ये सब कहाँ के हैं? हमारे खुद के देश के हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चाय की सोयाबीन कहाँ से आई, भिंडी और कॉफ़ी कौन से देश से आई, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे घड़सीसर। ये घड़सीसर क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है। क्या है? राजस्थान में एक ज़िला है। कौन सा ज़िला है? जैसलमेर, जहाँ पर क्या है, एक तालाब है 650 साल पुराना, जिसे घड़सीसर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घड़सीसर नाम से जाना जाता है। यह
गढ़सी नाम के राजा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गढ़सी नाम के राजा ने अपने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसलिए इस तालाब का नाम क्या पड़ गया? गढ़सी सर पर पड़ गया। ये अलबिरूनी वाला क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। ये अलबिरूनी कहाँ से आए थे? तो अलबिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आया था? अलबिरूनी एक व्यक्ति था, वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। इनका नाम इतना मशहूर क्यों है, क्यों फेमस हैं ये इतने कि अलबिरूनी? वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने अपने भारत के तालाबों के बारे में लिखा था। क्या किया था? हमारे भारत के तालाबों के बारे में लिखा था। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे, कुंडे और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। अलबिरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया था कि जो भारत के तालाब बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और वहाँ पर चबूतरे भी बनाए गए हैं। उन चबूतरों पर क्या बना हुआ है? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आने के लिए अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे कि क्या होता है, भीड़ नहीं लगती और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। क्या है? उत्तराखंड में पानी से जुड़ी हुई एक रिवाज है कि जब नई दुल्हन आती है, क्या होता है, जब नई दुल्हन आती है तो झरने या तालाब के पास जाकर सिर झुकाती है। क्या करती है? जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो तालाब के पास जाती है और सिर झुकाती है और वहाँ पूजा करती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल कुएं नहीं रहे हैं, कुएं या तालाब नहीं रहे हैं, तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बहू जो क्या करेगी, वो घर में ही या आसपास कहीं भी नल वगैरह होगा वहीं पर पूजा कर लेती हैं। अब हम बात करेंगे तरुण भारत संघ की। ये तरुण भारत संघ क्या होता है? यह संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। ये संस्था किस इंतजाम से जुड़ी है? पानी के इंतजाम से जुड़ी है। डर की माई राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती थी। ये जो डर की माई है वो भी कहाँ, किससे संबंधित है? तरुण भारत संघ से। वो कहाँ की थी? राजस्थान के अलवर जिले की थी। डर की माई ने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। डर की माई ने क्या किया था कि अपने गांव में ही तरुण भारत संघ के साथ मिलकर एक तालाब बनवाया था, क्योंकि वहां क्या होता था, पानी की प्रॉब्लम्स होती थी। आगे बढ़ते हैं, समुद्र के बारे में बात करते हैं। समुद्र, सभी सागरों के पानी में नमक होता है। क्या होता है? सभी समुद्रों के पानी में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, नमक होता है। लेकिन जो मृत सागर है दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन है। सागरों में पानी नमक तो होता ही है, सब जानते हैं, लेकिन जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। और मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना नमक होगा, या फिर 300 ग्राम नमक कितने पानी से बनाया जा सकता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। उसमें कैसे तैर सकते हैं? जैसे ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ इतनी डेंसिटी होती है नमक की वजह से कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उसके ऊपर लेटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, डांडी यात्रा के बारे में बात करते हैं। डांडी यात्रा आप सभी जानते हैं, ये किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। ये घटना 1930 की है। ये घटना कब की है? 1930 की है। समुद्र के किनारे की ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। क्या होता है? समुद्र में जो पानी होता है वो क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उनके गड्ढों में पानी भर दिया जाता है। तेज़ धूप जैसे ही पड़ती है तो पानी क्या होता है, वो सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है और नमक बन के तैयार हो जाता है। इस यात्रा में गांधी जी ने अपने अन्यायियों के साथ कानून तोड़ा था। गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था डांडी यात्रा में। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बीमारी है। इसकी दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है इसकी दवाई? सिंकोना के पेड़ की छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है। और क्या होता है, पहले क्या होता था, इसे लोग उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब क्या है, छाल से दवाई भी बनाते हैं। पहले क्या था, लोगों को जितनी नॉलेज थी वो इतना यूज़ करते थे, उसे उबाल लेते थे और क्या करते थे, उसकी छाल उबाल कर पानी से उसका यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या, उसकी छाल से ही क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है?
इसमें खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से हो जाती है। ये बीमारी किससे हो जाती है? हमारे खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, उससे ये हमें बीमारी हो जाती है। अब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियाँ डॉक्टर कब आपको रिकमेंड करेगा, तो डायरेक्ट वहाँ पर क्या लगा देना है आपको, एनीमिया। क्या लगा देना है? एनीमिया। या फिर ये पूछेगा कि एनीमिया रोग के लिए हम, एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो क्या क्या खाना चाहिए, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए। अब हम बात करेंगे मच्छरों, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए सावधानियाँ। अब ये क्या होता है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये किससे होती हैं बीमारी? ये सारी बीमारी किससे होती हैं? मच्छरों से होती हैं। तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है उस पर ध्यान देंगे। आसपास पानी जमा ना होने दें। क्या करें, यहाँ आसपास, हमारे आसपास पानी भर जाता है, उसे जमा ना हो देने दें। जहाँ कहीं भी आपको गड्ढे दिखें उन गड्ढों को भर दें, मिट्टी वगैरह से भर दें, जिससे कि वहाँ पानी में क्या ना हो, कि पानी इकट्ठा ना हो जाए और वहाँ पर क्या नहीं हो जाए, मच्छर नहीं आ जाए। अब मूव करते हैं आगे। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। पानी वगैरह के हमारे यहाँ पर बर्तन होते हैं, तो उनमें क्या करना है, हमें टंकी वगैरह को साफ रखना है और हर हफ्ते सुखाना है। तालाबों में मछलियों छोटे छोड़ें ताकि वे लार्वे खा जाएं। तालाबों में बहुत सारे तालाब होते हैं, वहाँ ज़्यादातर मच्छर हो जाते हैं, तो उनमें क्या करना है, मछलियाँ छोड़ दें, जिससे कि क्या हो कि वो लार्वे को, मच्छर के लार्वे को खा जाएंगी और ज़्यादा मच्छर पैदा नहीं होंगे। और किसका इस्तेमाल करना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। क्या कर दें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की। कब की थी, दिसंबर 1902 में। इन्होंने नोबल पुरस्कार भी मिला था। इन्हें नोबल पुरस्कार कब मिला था, दिसंबर 1902 में नोबल पुरस्कार मिला था। अब हम बात करते हैं, अच्छा इन्हें कौन से हॉस्पिटल में मिला था, सिकंदराबाद हॉस्पिटल में मिला था। झूम खेती कहाँ पर होती है, झूम खेती मिजोरम राज्य में होती है। कहाँ पर होती है, मिजोरम राज्य में होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। झूम खेती के बारे में अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है, लेकिन ये किस तरह से होती है, क्या होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। बाय फ्रेंड्स।